हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, कल हमने वीडियो डाला था अपना नाव और धारा पर पार्ट 1, ठीक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिन भी छात्रों ने देखा है वो वीडियो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और कुछ हमने 6 से 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इसी तरीके से हम आज भी अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आपको बस क्या करना है, वीडियो को रेगुलर देखना है, अपने जितना हो सके फोकस करना है कि मैं क्या कह रहा हूं उसको समझना है। बस एक बार आप समझ लोगे, जिंदगी भर आपको नाव और धारा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, आज हम अपना जो सेकंड वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2, और कल के आगे के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेरे पास अपना मोबाइल है, PDF में मैं देख रहा हूं क्वेश्चन, ठीक। और अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताएं डाउट, कि सर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपका वो डाउट भी मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हमने लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें हमारा आंसर आया था 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, ध्यान देना, धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, ठीक। क्वेश्चन उसने कहा है विपरीत, तो 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय हो रही है, ध्यान देना। 8 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 4 घंटे में, ठीक। इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग ये निकलता है कि 1 घंटे में, भाई 4 से सॉल्व कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 घंटे में जा रहा है 2 किलोमीटर। इसको भी हम कैसे कह सकते हैं कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। और ये क्या था? विपरीत जा रहा था, तो इसका मतलब कल मैंने बताया था इसको किससे लिखेंगे हम, वाई से। वाई धारा के विपरीत चाल है। क्या है? धारा के विपरीत चाल। आगे कह रहा है जबकि धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ध्यान दीजिए मैंने बताया था धारा की गति SC से लिखेंगे, स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट मतलब धारा की गति कितना है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे बोल रहा है वो, तो नाव की स्थिर जल में गति क्या होगी? नाव की स्थिर जल में गति मैंने बताया था आपको SB होती है। क्या होती है? SB। और ध्यान दीजिए, अब जो कल मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं एक बार। मैंने पहला फॉर्मूला लिखवाया था SB, फॉर्मूला था x+y/2, ठीक। दूसरा फॉर्मूला था SC, x-y/2, ठीक है। एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था x=SB+SC, एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको SB-SC। तो ये मैंने आपको कल 4 फॉर्मूले बताए थे, बहुत ही आसान सी ट्रिक है और बेसिक मैंने आपको क्लियर किया है, तो ट्रिक आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। क्या है? देखिए, y की वैल्यू गिवन है, SC की वैल्यू गिवन है, ठीक। y की वैल्यू गिवन है, SC की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? इजीली SB निकाल लेंगे, तो कोई इसमें मुझे लगता है आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। देखिए, y=SB-SC, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 किलोमीटर प्रति घंटा =SB-SC 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर माइनस, इधर आके प्लस जाएगा, ये कितना जाएगा आपका? 3.5। तो SB कितना आएगा? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। SB कितना आएगा? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत मजा आने वाला है आपको क्वेश्चन करने मेरे साथ। कोई भी किसी प्रकार का डाउट मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, ठीक। इस सेशन को, इस लेक्चर को, पूरे 3-4 पार्ट जो होंगे कंप्लीट करने के बाद, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी नाव और धारा में, ठीक। तो नोट्स बना के चलना है आप लोग को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है हमारा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या होता है? एक्स,
धारा की दिशा में क्या होगा एक्स। कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल, तो मुझे इसमें ज्यादा बताने की अब जरूरत नहीं है। स्थिर जल में नाव की चाल फॉर्मूला आपके सामने है एस बी एक्स प्लस वाई बटे दो, तो 11 और 5 16 बटे दो, आंसर कितना आ गया 8। तो देखिए कितनी जल्दी आंसर आ रहा है, कुछ भी तो नहीं करना, जोड़ना है और हाफ करना है ठीक। अगर स्पीड ऑफ करंट पूछता इसी सवाल में तो घटाते और हाफ करते ठीक, तो जोड़ो और हाफ करो। 5 और 11 कितना होगा 16, 16 कितना जाएगा हाफ करके 8, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। इजी क्या नहीं कर सकते आप, कर सकते हैं ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है अंशु 3 घंटे में, ध्यान देना, अंशु 3 घंटे में जल की धारा के साथ, मतलब जिधर धारा है उधर ही वो बह रहा है उसके साथ साथ, 3 घंटे में 21 किलोमीटर, 3 घंटे में कितना किलोमीटर 21 किलोमीटर। इसका मतलब क्या निकलेगा कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर 7 किलोमीटर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि उसकी चाल कितनी हो गई है 7 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई है। तो ये क्या होगा हमारा, 3 घंटे में जल की धारा के साथ इतनी चाल हो गई है, तथा जल की धारा के विपरीत उतने ही समय में, जल की धारा के विपरीत उतने ही समय में 15 किलोमीटर जाता है। मतलब ये तो था धारा के साथ x हो गया है, 3 घंटे में ही, भाई ध्यान से समझ लो, वो कह रहा है कि जल की धारा के विपरीत उतने ही समय में, यानी कि 3 घंटे में ही कितना जा रहा है वो 15 किलोमीटर। अब 3 से इसको हम क्या करेंगे काट लेंगे, 3 × 5 = 15, इसका मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर। इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई है हमारी विपरीत, तो ये हो गई है हमारी वाई, समझ रहे हैं आप लोग। तो उसने क्या कहा, धारा की गति क्या है, और धारा की गति को हम किससे लिखते हैं एस सी से। एक्स भी हमारे पास है वाई भी हमारे पास है, तो एस सी कैसे निकालते हैं, एक्स में से वाई घटाओ 7 में से 5 घटाओ 2 बचेंगे, और नीचे किससे भाग कर दो 2 से भाग कर दो, कितना जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या इतना भारी है क्या, नहीं ना, बड़ा ही इजी है, आराम से हो जाएगा ठीक है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए तेजी से ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगर आपका नोट हो गया है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन ले रहे हैं इससे आगे ठीक, हल्का सा क्रिटिकल। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है, एक नाव को बिंदु पी से क्यू तक जाने में, बिंदु पी से क्यू तक जाने में, धारा के प्रवाह की ओर जाने में, तथा वापस क्यू से पी की ओर प्रवाह के विपरीत आने में 3 घंटे का समय लगता है। देखिए बड़े ध्यान समझना है, एक बिंदु है पी और एक बिंदु है क्यू, तो वो पी से क्यू तक गया, भाई कोई व्यक्ति है, या वो खुद कह रहा है कि एक नाव है, एक नाव पी से क्यू तक गई ठीक ठीक गई, और फिर यहीं से वापस आई नाव, तो 3 घंटे का समय लग रहा है, मतलब जाने का और फिर वापस वहीं पर आने का कुल समय कितना लग रहा है 3 घंटे। अब एक बात ध्यान देना, ये तो है धारा के साथ, धारा के साथ, और यह है धारा के विपरीत, तो ये तो है धारा के साथ और यह है धारा के विपरीत ठीक ठीक है ना। तो देखिए 3 घंटे का समय लग रहा है, आगे क्या कह रहा है, उसकी स्थिर जल में गति क्या होगी, ध्यान देना स्थिर जल में गति,
स्थिर जल में गति को कैसे लिखते थे हम? एस बी से। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? एस बी। आगे, यदि नदी की धारा की गति, नदी की धारा की गति का मतलब स्पीड ऑफ करंट, मतलब एस सी। एस सी कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एस सी कितना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इजी है क्वेश्चन। क्या निकलवा रहा है? पी और क्यू के बीच की दूरी, यानी कि पी और क्यू एक दूसरे से कितनी दूर है, ये निकालना है। देखिए, ध्यान देना है आप लोगों को। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग? कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमने क्या मान लिया? हमने ये मान लिया कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? डी है। कितनी है? डी। तो डी दूरी बटे, अब देखना, दूरी बटे समय, या और इस फॉर्मे को अगर मैं चेंज करूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? टाइम बराबर, टाइम यहां जाएगा, टाइम बराबर दूरी बटे स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल बराबर समय, दूरी बटे चाल बराबर समय। तो दूरी कितनी है? डी, ठीक, बटे चाल। अगर इस दूरी को मैं इस नाव की चाल से भाग दे दूं, कौन सी चाल? जो कि धारा के साथ जाने में नाव की थी, ध्यान देना, धारा के साथ, ठीक। तो धारा के साथ हमने मान लिया एस बी प्लस क्या हो जाएगी? एस सी, क्योंकि जब धारा के साथ नाव बह रही थी, मैंने कल बताया था, तो दोनों चालें जुड़ेंगी, एक तो धारा की और एक नाव की। प्लस आप उधर से नाव वापस इस बिंदु तक आई तो धारा के विपरीत आई होगी, डेफिनेट सी बात है। तो इसका मतलब नाव की चाल में से हम धारा की चाल घटाएंगे, क्योंकि धारा की चाल क्या करेगी? उसका विरोध करेगी, इसलिए घटा देंगे। तो दूरी बटे चाल समय जाने का, ये समय किसका है? जाने का। और दूरी बटे चाल, ये समय किसका है? आने का। तो टोटल समय कितना लग रहा है? 3 घंटे, ठीक। देखो मेरे दोस्तों, मैं ये जो भी टाइम ले रहा हूं आपको समझाने में ले रहा हूं, आप एक बार समझ गए तो आप आराम से कर लोगे। आप ये मत देखो कि मैं कितनी तेजी से या मैं कितनी देर में कर रहा हूं, आप ये देखो कि आपके समझ में आया और समझ में आने के बाद आप कितनी तेजी से कर रहे हैं, ठीक, ठीक है ना? तो एस बी हमें नहीं पता, ठीक। अब देखिए, यहां पर हमारे पास दूरी भी दे रखी है उसने, पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की धारा की, अच्छा, तो उसने एस भी पूछा है, दूरी भी हमारे पास है, दूरी भी हमारे पास है। तो सिंपल, एस सी कितना है हमारे पास? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर हम क्या रख देंगे? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से क्या माइनस कर देंगे? 1, ठीक। अब डायरेक्टली हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, यहां तक आपको इक्वेशन बनानी है, उसके बाद ऑप्शन से कर लेंगे। आप चाहो तो इसका यहां पर गुणा करके, इसका यहां पर गुणा करके, नीचे का नीचे गुणा करके कर सकते हो, लेकिन फायदा कुछ नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा, हमें टाइम को बचाना है। हम क्या करेंगे? ऑप्शन का यूज करेंगे, और इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम एस बी की जगह क्या रख लेंगे? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर 4 ऊपर है, यहां पर कितना रखा है? एस बी की जगह 3 प्लस 1 प्लस ऊपर कितना रखा? 4। एस बी की जगह कितना रखा? 3 माइनस 1, ये 4 हो गया, 3 और 1 4, एक बार कटेगा, कटकर कितना आया? 1, और ये कितना आएगा? 2, यहां पर आएगा 2, 2 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो 2 दूनी 4, और 2 और 1 कितना आ गया है? 3। तो बराबर में भी 3 घंटे ही है, और हमारा भी ऐसे सॉल्व करके 3 घंटे आ रहा है। तो इसका मतलब हम इजीली इस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से मैं नेक्स्ट इसके जैसे ही क्वेश्चन ले रहा हूं, और आपको नोट करना है, अगला क्वेश्चन आपको करना है, समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी से, ठीक है।
देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो सही लग रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आपको एक काम जरूर कर देना है, वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें। शेयर करने से क्या होगा कि आप जैसे ही और दूसरे स्टूडेंट्स तक जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ सकते हैं वीडियो के थ्रू भी। तो इसलिए आप जरूर शेयर करें, और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर वीडियोस पे अच्छे व्यूज आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति, धारा की गति का मतलब क्या है, एससी कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर फिर वापस उसी स्थान पर 50 मिनट में पहुंचती है। हमने फिर से वही बिंदु मान लिया पी से, कहां जा रही है, क्यू। तो पी से क्यू गई और फिर वापस इसी स्थान पर आ गई, ये मतलब है इसका। और कितना चली गई, 10 किलोमीटर, यानी कि ये कितनी डिस्टेंस थी, 10 किलोमीटर, और आने की भी कितनी थी, 10 किलोमीटर। कितनी देर में जाना और आना, कितनी देर में हुआ टोटल, 50 मिनट। और वो क्या कह रहा है, मोटर बोट की स्थिर जल में गति क्या है। स्थिर जल में गति का मतलब क्या है, SB। आप स्थिर जल में बोल सकते हो और शांत जल में भी, बात एक ही होती है, स्थिर जल या शांत जल बात एक ही है। तो फिर से वही तरीका, हमने क्या बताया था, D दूरी बटे SB प्लस SC, क्योंकि जाने में चाल दोनों जुड़ेंगी, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे SB माइनस SC इज इक्वल टू कितना टाइम लग रहा है जाने आने में, 50 मिनट। ध्यान देना ये मिनट है, क्या है ये, मिनट, इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, तो 0 0 कट जाएगा, 5/6 क्या जाएगा आपके, घंटे बदल जाएगा। डिस्टेंस इस बार आपको डी की जगह कितना रखा है, 10, तो यहां पर हम डी की जगह कितना रखेंगे, 10। फिर से वही तरीका हम ऑप्शन का यूज करेंगे, एक ऑप्शन आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम 25 रख के देखते हैं, ठीक। और SC कितना है, 5, तो हम SC की जगह कितना रखेंगे, 5। SC की जगह हमने कितना रखा, 5। अब देखिए 10, SB की जगह हम कितना रख रहे हैं, 25, ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, तो 25 और 5 कितना हो गया, 30 प्लस 10 बटे 25 माइनस 5 कितना आएगा, 20। 0 0 काटेंगे, 0 से 0, ठीक है। 3 यहां पर आया, 2 यहां पर, 2 ऊपर जाएगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 यहां 3, यहां कितना हो गया, 5, और 3 दूनी कितना, 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, ठीक। तो हमारा सेटिस्फाई हो गया है, तो आंसर कितना है हमारा इसका, SB इज इक्वल टू 25, कितना है, SB इज इक्वल टू 25, ठीक। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करें तेजी से, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक और थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है, ठीक है। चलिए मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ एक बात और है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक चीज का और ध्यान रखें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वीडियो का एक वीडियो मैंने बनाया था जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुआ है, बच्चों के बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए। मैंने इसमें आपको ये बता रखा है कि आप किस बुक से तैयारी करें, और 100% आपको गारंटी है कि सफलता मिलेगी मिलेगी, ठीक। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर आप क्लिक करके वीडियो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है अपनी तैयारी को लेकर कि सर कैसे तैयारी करें, क्या सही तरीका रहेगा, तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कौन सी किताब से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या छोड़ना है, वो सब कुछ बता रखा है, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, आपको आसानी मिलेगी बहुत ज्यादा समझने में एग्जाम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक नाव के प्रवाह के विपरीत, एक नाव प्रवाह के विपरीत मतलब धारा के अपोजिट साइड, पी से क्यू तक और प्रवाह की दिशा में क्यू से पी तक की दूरी 3 घंटे में पूरी करती है। भाई फिर से वही है, पी से क्यू गई, एक नाव है पी से क्यू धारा के साथ और क्यू से पी धारा के विपरीत, ठीक। कितने घंटे का समय लग रहा है, 3 घंटे का, मतलब जाने का और आने का। यदि स्थिर जल में नाव की चाल या गति, स्थिर जल मतलब SB कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति
धारा की गति कितनी है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति मतलब क्या है? स्पीड ऑफ करंट 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पी और क्यू के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कितना आसान क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे जो मैंने अभी आपको कराया, सेम कॉन्सेप्ट पे। जाने और आने के बीच की दूरी नहीं पता, हमने मान लिया डी है, ठीक। दूरी बटे चाल, जब धारा के साथ जाएगा, जब धारा के साथ नाव जाएगी तो उस नाव की खुद की चाल, और उसे पीछे से कौन सपोर्ट कर रहा है? धारा। नाव की खुद की चाल, पीछे से धारा सपोर्ट कर रही है, तो चाल बढ़ जाएगी। नॉर्थ की कितनी जाएगी? 12। नॉर्थ की कितनी? 12। यानी कि एस बी प्लस एस सी। देखो बार बार मैं इक्वेशन बना रहा हूं, हर बार आपको लिख लिख के समझा रहा हूं, मुझे देर में हो जाए क्वेश्चन, मुझे आपको ज्यादा जल्दी करा के इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना है। आपके समझ में आ गया, आप बहुत तेजी से करोगे, ठीक है। तो आप पहले समझो अच्छे से। और प्लस अब की बार आने में लगा समय, तो दूरी बटे जब आएगी नाव तो धारा विरोध करेगी उसका, तो नाव की चाल घटेगी। जब सामने से विरोध हो रहा है, ये नाव आ रही है सामने से, इसको धकेल रही है धारा पीछे को, तो थोड़ी चाल घटेगी। इसका मतलब घटेगी तो घटा दो फिर, एस बी माइनस एस सी, ठीक। तो जाने में ये जाने का समय, प्लस ये आने का समय कितना है? 3 घंटे। क्वेश्चन में खुद कह रहा है 3 घंटे, क्लियर। एस बी और एस सी आपको दे रखी है, तो इसमें रख दो सीधा एस बी एस सी, 9 और 3 12, ठीक। और यहां पर 9 में से 3 गया 6 और इज इक्वल टू 3। अब ऑप्शन का यूज करता हूं मैं, ठीक है, ऑप्शन का यूज कर रहा हूं। तो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है इसने? ऑप्शन में दे रखा है यहां पर 12 भी है क्वेश्चन में, तो हम d बराबर अगर 12 ले लें, इससे चेक करें तो कितना आएगा? d की जगह 12 रखें, 12 बटे 12 प्लस इस d की जगह 12 बटे 6, 12 से 12 कटा, कितनी बार कटा? एक बार, और 6 दूनी 12, 1 प्लस 2 बराबर कितना आ गया है? 1 प्लस 2 3, ठीक। तो 3 किलोमीटर आंसर हो गया, था ना इजी, ठीक। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट्स बनाते चलना है आपको सभी को, एक बार नोट्स बना लोगे जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक। तो एक बार नोट्स बना, अच्छा सा नोट्स बना के चलना है साफ एकदम। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रफ में लिखते हैं और फिर रफ को डाल देते हैं ऐसे ही, फिर कुछ टाइम बाद ना तो उनके रफ का पता होता कि रफ कहाँ है, और ना उन्हें अपनी जिंदगी का पता होता कि हमारी जिंदगी कहाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक व्यक्ति शांत जलाशय में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है। तो यानी कि नौका चला सकता है, कैसा जल है? शांत। तो इसका मतलब क्या है? शांत जल में नाव की चाल, उसको कैसे लिखते हैं हम? एस बी से। कितनी देरी इसने? 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आइए कह रहा है वो, जब यही व्यक्ति एक नदी में जो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से बहती है, देखो नदी बह रही है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, इसका मतलब धारा की चाल। इसका मतलब क्या है? धारा की चाल। और धारा की चाल कितनी देरी उसने? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा नौका चला सकता है। तो उसे एक स्थान तक जाकर वापस आने में 1 घंटे का समय लगता है, बताइए यह स्थान उस बिंदु से कितनी दूर है? लो भाई इजीली हो जाएगा, यहां से मान लिया, यहां से गया पी तक, फिर पी से आया क्यू तक, सॉरी क्यू से आया पी तक, ठीक। डिस्टेंस तो वही सेम है, बार बार मैं कह रहा हूं, तो दूरी निकलवा रहा है आपसे वो, ठीक। तो डी दूरी बटे जाने में चाल, जाने में चाल कितनी है? 5 और 1.5 जोड़ देंगे, मैंने आपको बताया कितना हो गया? 6.5। बार बार बता रहा हूं, अब की बार नहीं बता रहा हूं। आने में धारा क्या करेगी? इसका विरोध। जब 5 में से 1.5 घटेगा कितना बचेगा? 3.5। और जाने और आने का समय कितना लग रहा है उसे? 1 घंटा। तो ये जाने का समय, ये आने का समय, टोटल कितना हो गया? 1 घंटा। क्लियर है ना, ठीक। अब देखो यहां पर बस सॉल्यूशन करना है, ऑप्शन भी आप रख के देख सकते हो और विदाउट ऑप्शन भी कर सकते हो इसे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल बन सकता है क्वेश्चन। तो डायरेक्टली हम इसको कैसे कर रहे हैं, इधर इसकी मल्टीप्लाई की, मतलब एलसीएम ले लिया, 3.5 ऊपर गया, 6.5 ऊपर गया, 3.5 और 6.5 कितना हो जाएगा? 10 बी।
नीचे ऐसे लिख लो 6.5, 3.5, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, ऊपर कितना जीरो बढ़ेगा, 2, इधर कितना आ गया 1, 65 गुना 35, 65 गुना 35 ये आएगा 2275, और 3 जीरो एक आ जाएगी आपकी नीचे, ठीक, और बचेगा डी सीधा, 3 जीरो है ना, 3 जीरो दिखाई दे रही है, तो 3 अंक के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव, 3 अंक के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, 2 के बाद, 1, 2, 3, तो 2.275 इतने किलोमीटर, यानी कि इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, 2.275 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको कर लेंगे, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको नीचे डाल रहा हूं आपके एक्सप्लेनेशन बॉक्स में, मतलब स्क्रीन पे लगा रहा हूं मैं आपके क्वेश्चन, ये आपको खुद से ट्राई करना है और आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो भी आपको समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही रेगुलर वीडियोस को देखेंगे, ठीक है, और आप जरूर वीडियो को शेयर कर दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि निःशुल्क आपको सेवा मिल रही है, इससे अच्छा क्या होगा। और वीडियो को अगर आप अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं, वीडियो में ब्राइटनेस कैसी है, वीडियो में चमक कैसी है, वीडियो की क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, जो भी आपको बुरा लगे, जो भी आपको दिक्कत आ रही है आप मुझे बताना है, ठीक है। अगर जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, तो आप एक बार मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो में, ठीक है, धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं इसमें। तो आई होप आपको लेक्चर सही लगा होगा, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।